हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू चूज अमंग वेरियस रिस्पॉन्सेज इन ऑर्डर टू अटेन अ डिजायर गोल अकॉर्डिंग टू बेरन 1997। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? हमारी थिंकिंग होती है जो कि गोल डायरेक्टेड होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक इनिशियल स्टेट होती है जो कि हमारी प्रॉब्लम और एक एंड स्टेट जो कि हमारे गोल। इनिशियल स्टेट और एंड स्टेट में जो भी हमारे मेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम, देन प्लान द सॉल्यूशन एंड सेट सब गोल्स, एवेलुएट ऑल द सॉल्यूशन, सेलेक्ट वन सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूट इट, एवेलुएट द आउटकम, रीथिंक एंड रीडिफाइन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास एक वीक है सपोज करो, और टीचर्स डे पे हमें कोई प्ले ऑर्गेनाइज करना है, ये हमारी एक प्रॉब्लम हुई। तो रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम में क्या आएगा, रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम में आएगा कि यहाँ पे हम थीम क्या रखेंगे, किसको हम सेलेक्ट करेंगे एज अ एक्टर एक्ट्रेस, और कितना हम मनी अरेंज करेंगे, कितना मनी कलेक्शन होगा, रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम। देन प्लान द सॉल्यूशन एंड सेट सब गोल्स, इसमें सर्वे करेंगे हम वेरियस थीम्स के बारे में, डिस्कस करेंगे अपने टीचर से, फ्रेंड से, एक्सपर्ट से कि कितनी कॉस्ट होगी, कितना ड्यूरेशन होगा, कितना थीम सुटेबल है हमारी जो टीचर्स डे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए है, सॉरी प्ले ऑर्गेनाइज करने के लिए। एवेलुएट ऑल सॉल्यूशन में क्या होता है कि हम स्टेज पे रिहर्सल करते हैं जो भी हमने प्ले डिसाइड किया है उसकी, सेलेक्ट वन सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूट इट, कंपेयर करते हैं और जो बेस्ट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, देन सेलेक्ट वन सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूट, इसमें कंपेयर करा और एग्जीक्यूट किया उसको, एवेलुएट द आउटकम, कितना हमारा प्ले अच्छा रहा, फ्यूचर में हम क्या आगे अपने प्ले के रेफरेंस देते हैं, देन रीथिंक एंड रीडिफाइन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, इसमें क्या करते हैं, स्टिल सोचते हैं कि कौन सी और भी अच्छी वेज हैं जो कि हम फ्यूचर में जो भी हमारा प्ले है ऑर्गेनाइज करते टाइम अपने प्ले में उनको इन्वॉल्व करेंगे। अब स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एलन न्यूवेल एंड हर्बर्ट साइमन ने 1972 में दिया। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है उसको डिवाइड करते हैं स्मॉलर सेगमेंट्स में। सेकंड में क्या होता है, उसके लिए हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। थर्ड और फाइनल स्टेज में क्या होता है, उसको इवेलुएट करते हैं अपने हाइपोथेसिस को। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम ये मॉडल को समझेंगे। जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, सपोज एक सर्कल है उसमें लेटर्स दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, तो इनके बीच में फर्स्ट स्टेज में क्या हुई, हमने देखा कि रिलेशनशिप अमंग सिक्स लेटर, ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, रिलेशनशिप है इनमें। सेकंड स्टेज में क्या करते हैं हम, सर्च फॉर रूल, कौन सा रूल अप्लाई किया गया है, मीन्स ए यहाँ है तो बी सी इधर है, डी यहाँ है तो ई यहाँ है, तो कौन सा रूल अप्लाई किया गया है, देन हमारा जो भी रूल अप्लाई हुआ उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस डेवलप कर लेते हैं। एंड फाइनल स्टेज में क्या होता है, हाइपोथेसिस को इवेलुएट करते हैं जो कि हमारे सॉल्यूशन के लिए परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। सपोज इसका, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लाइक स्ट्रेट लाइन ए ई एफ इनसाइड रहेंगी हमारे सर्कल के, और बी सी डी ये आउटसाइड है, हमारी कर्व लाइन आउटसाइड द सर्कल है, जो भी अल्फाबेट्स हैं लाइक बी सी डी एस क्यू ओ पी, जो भी कर्व अल्फाबेट हैं वो हमारे आउटसाइड रहेंगे सर्कल के। अब पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक्सपेरिमेंट करा था अब्राहम लूसिन ने 1942 में। ये क्लासिक वाटर जार एक प्रॉब्लम थी, इसमें क्या था, मेजर करना था 100 यूनिट ऑफ वाटर, फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी। जार वन कंटेन 21 यूनिट्स ऑफ वाटर, जार टू कंटेन 127 यूनिट्स ऑफ वाटर, जार थ्री कंटेन सी 3 यूनिट्स ऑफ वाटर। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था इसमें, जो हमें एग्जैक्ट मेजर करना था 100 यूनिट्स, तो हमने क्या किया, b माइनस ए ट्वाइस माइनस सी, तो हमारा रिजल्ट सेम हो गया,
लाइक दिस, बी 127 और ए हमारा 21 था और सी हमारा 3 था, तो हमने ट्वाइस कर लिया सी का और हमने 100 यूनिट एग्जैक्ट मेजर कर लिया। जो हमारी 126 प्रॉब्लम थी ये सेम पैटर्न में सोल्व हो रही थी, तो हमने एक मेंटल सेट प्रिपेयर कर लिया। जो कि 7th-8th प्रॉब्लम आई तो हम वहां पे वो मेंटल सेट अप्लाई नहीं कर पाए। जो भी मेंटल सेट हमने डेवलप कर लिया प्रॉब्लम के लिए 7th-8th के लिए, वो हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल बन गया जो कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्पफुल नहीं रहा। फंक्शनल फिक्सनेस, पीपल सोल्व टू फंक्शनल फिक्सनेस क्या होता है, जहां पे पीपल फेल हो जाते हैं कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, बिकॉज दे फिक्स्ड ऑन यूजुअल फंक्शंस। बेस्ट एग्जांपल जो कि इन्फ्लुएंस करता है मेंटल सेल्ट को इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फिनोमेना, वो हमारा फंक्शनल फिक्सनेस है। इनसाइट, इनसाइट क्या होता है, सडन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जहां ओवरकम करते हैं फंक्शनल फिक्सनेस को। ये एक्सपेरिमेंट वोल्फगैंग कोहलर ने किया था 1925 में चिंपैंजीज़ पे, और इनसाइट में हमारे आ एक्सपीरियंस होते हैं। एल्गोरिथम, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्वर कोई भी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो सारे सॉल्यूशंस का यूज करता है जो भी पॉसिबल है उसके लिए सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन गारंटीड होता है कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। सपोज करो एक सूटकेस के लॉक हो गया, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है 0, 0, 0, तो जो भी हमने लॉक बनाया जितने भी 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन है हम सब अप्लाई करके और उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। देन ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक क्या होते हैं, हमारे रूल ऑफ थंब होते हैं, बिट ऑफ नॉलेज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ये हमारे को पार्शियल सोल्यूशन देते हैं, यहाँ पे गारंटीड नहीं होता कि हमें सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।